फुल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। सवाद धमाकों से गूंज उठा, सिपा सालार का दौरा चीन, बी टीम के हाथों शिकस्त, 27 अप्रैल को क्या होगा, आईएमएफ मुआहदे का क्या हुआ, कराची वालों खैर मनाओ। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे कि सवाद से अफसोसनाक खबर है कि कबुल में सीटीडी थाना धमाके में जांबहक अफराद की तादाद 15 तक पहुंच गई है। दो ऑफिसर समेत 15 अहलकार शहीद और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। थाने की इमारत जमीन बोस हो गई है। धमाकों के वक्त सीटीडी थाने के अंदर असलहा और गोला बारूद और कैदी भी मौजूद थे। बिजली मुनकता होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किल का सामना रहा। धमाके से करीबी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। एक घर में दो बच्चे भी जख्मी हो गए हैं। शहदा की मैयतों और जख्मियों को कबल और सईदो शरीफ अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है और समात के अस्पतालों में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहादतों और जख्मियों की तादाद में इजाफे का भी खदशा मौजूद है और धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। तो अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सवाल से खबर है कि कबुल में सीटीडी थाना धमाके में 5 अफराद जो हैं वो जांबहक हो गए हैं और तादाद जो है वो 15 के करीब भी पहुंच गई है। दो ऑफिसर समेत 15 अहलकार शहीद और 40 से जायद जख्मी हो गए हैं। सवाद थाने में धमाके की वजह शॉर्ट सर्किट करार। डीपीओ सवाद शफीउल्लाह गंडापुर ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगु में कहा कि थाने में मौजूद धमाका खेज मवाद बिजली शॉर्ट सर्किट की वजह से फटा। उन्होंने खबरदार किया कि मलबे तले मजीद धमाका खेज मवाद हो सकता है, इसलिए सहाफ़ी एहतियात करें। अब तक की तहकीकात में ये दहशतगर्दी का वाकया नहीं लगता है। कोत का घर है ये, कोई 15x20 का एक कोत का हमारा कमरा था, उसमें इनकी केस प्रॉपर्टी सीटीडी का एक्सप्लोसिव पड़ा था। तो आप देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के बाद वहां पे कोई एक्सप्लोजन हुआ है या वो खुद से कहीं एक्सप्लोड हुए। एक्सप्लोसिव जो हमारा ब्लास्ट हुआ है वो सीटीडी की इस बेसमेंट वाली कोत से हुआ है। बाहर से कोई इस तरह का अटैक या बाहर से खुदा ना खास्ता कोई इस तरह की कोई और सुइसाइडल उस तरह की कोई भी एविडेंस हमने पूरा ये छानबीन करके पूरा क्राइम सीन इंस्पेक्ट करके और अपने एक्सपर्ट से एनालिसिस करके तो वो ऐसी कोई एविडेंस नहीं आ रही कि बाहर से कोई खुदा ना खास्ता अटैक हुआ है या बाहर से कोई सुइसाइडल आया। सवाद काउंटर टेररिज्म डिपार्ट थाने में धमाका सवालात उठने लगे। खैबर पख्तूनख्वा की माएँ बहनें क्यों रो रही हैं, बच्चे यतीम और जवान क्यों शहीद हो रहे हैं। जमात इस्लामी और पीटीआई की तनकीद, वज़ीर आज़म का रवायती बयान भी सामने आ गया। वज़ीर दाखला ने खानापुरी के लिए रिपोर्ट तलब कर ली। हमला सवालात उठने लगे, रिवायती बयानात और खानापुरी के लिए रिपोर्टें भी तलब। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद ने कहा, एक बार फिर अपने मफादात की खातिर मेरे मुल्क के लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है। चीख चीख कर कहता रहा, दहशतगर्दी वापस आ रही है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान बोले, बॉर्डर पर बाढ़ लगाने के बावजूद दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? हमारे बच्चे यतीम और हमारे नौजवान क्यों कत्ल हो रहे हैं? रियासत वफाकी और सूबाई हुकूमतें जवाब दें। वजीर आजम ने कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस का इजहार किया, हुक्काम से वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर दाखला राणा सनाउल्लाह ने भी दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के दावे के साथ वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। लकी मरवत के नवाही इलाके खेलथल के पहाड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबले में तीन दहशतगर्द मारे गए। खुफिया तला पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और मुकामी पुलिस ने मुश्तरक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दो खुदकुश हमलावरों ने खुद को बारूद से उड़ा लिया, जबकि एक दहशतगर्द फोर्सेज की फायरिंग का निशाना बन गया। फायरिंग के तबादले के दौरान सीटीडी के दो अहलकार जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंच गए हैं। आई एस पी आर के मुताबिक आर्मी चीफ दो तरफा फौजी तालुकात को बढ़ाने के लिए चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं और दौरे के दौरान आर्मी चीफ चीन के आला अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे।
और खबरों में अब आगे देखिए, शाहीनों का शिकस्त। पाकिस्तानी बैटर की मेहनत पर गेंदबाजों और फील्डर्स ने पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5वें टी20 में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 193 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने जारियाना 98 रन स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद ने 36 और इमाद वसीम ने 21 रन बनाए। टिकस ने 3 और सोढ़ी ने 1 शिकार किया। मतलूबा हदफ के ताकुब में कीवीज के 4 विकेटें 73 रन पर गिर गईं, जिसके बाद मार्क चैप और जमी नेशम ने शानदार बैटिंग करते हुए मैदान फतह किया। चैपमैन ने फातिहाना सेंचुरी स्कोर की। हैदराबाद में लतीफाबाद के शहीद मिलत पार्क में लगे ईद फेस्टिवल में हादसा पेश आया है। 10 अफराद जख्मी हो गए। म्यूजिकल शो के दौरान स्टेज टूट गया। वाकया आवाम की बड़ी तादाद के स्टेज पर पहुंच जाने के बाइस पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए भिटाई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको हैदराबाद से, जहां शहीद मिलत पार्क में ये हादसा पेश आया है। हादसा स्टेज टूटने के बाइस पेश आया है। स्टेज पर कई अफराद सवार हो गए थे, जिसकी वजह से स्टेज टूटा। हैदराबाद में ज़ख्मियों को भटाई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मामूली ज़ख्मी है, ज़्यादा कोई इसमें हलाकतें नहीं हुई हैं। शहीद मिलत पार्क में ईद फेस्टिवल में यह हादसा पेश आया है। दादू में भी ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जहां मीहड़ के करीब कोलाची मोरी के मुकाम पर मुसाफिर कोच उलट गई। अफसोसनाक वाकई में 26 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको दादू से, जहां पर कोलाची मोरी के मुकाम पर ये हादसा पेश आया है। ट्रैफिक हादसा है, जहाँ पर आपको बता रहे हैं कि दादू का ये मुकाम है जहाँ ये ट्रैफिक हादसा पेश आया है। कोलाची मोरी के मुकाम पर मुसाफिर कोच उलट गई है, जिसकी वजह से 26 अफराद जख्मी हो गए हैं। कराची से खबर शामिल कर रहे हैं। कराची औरंगी टाउन मोमिनाबाद रबी मस्जिद के करीब फायरिंग हुई है और फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों की शनाख्त अरसलान और मीरब के नाम से हो गई है। रेस्क्यू हुकाम का ये मौकफ सामने आया है कि वाकया जाती झगड़े के दौरान पेश आया है। मजीद तहकीकात जारी है। तो आपको बता रहे हैं कि कराची औरंगी टाउन मोमिनाबाद रबी मस्जिद के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को बड़ा फैसला होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आगाह कर दिया। इमरान खान की जमान पार्क में गुफ्तगू, कहा मुल्क में इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे। आइन की हैसियत ख़त्म होने के बाद मुल्क में कानून ख़त्म हो जाता है। अपने मुल्क और आइन को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं। उन्होंने साजिश करके मुल्क की क़यादत संभाली। लोगों की गलत फहमी है कि मैं इख्तदार में आकर बदला लूँगा। 27 को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जब से इन्होंने साजिश करके मुल्क की इन्होंने क्यादत संभाली, तो मुल्क के जो हालात हैं, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेजी से मुल्क के हालात इतनी तेजी से नीचे नहीं गए। इसलिए लोग इनसे मुतनफर हैं और ये डरे हुए इलेक्शन से। लेकिन जब आइन की कोई कदर नहीं है, इसका मतलब कानून खत्म हो गया। तो इसलिए तो हम सबके ऊपर ये लाजिम है कि हम फिर अपने आइन को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए हम सब सड़कों पर निकले। हुकूमत का इलेक्शन से इनकार दस्तूर पर हमले के मुतरादिफ है। इलेक्शन इल्तवा की गैर आइनी कोशिशों की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। शिकस्त का खौफ मफदात के लिए आइन से इनहराफ के नतायज तबाहकुन साबित होंगे। इमरान खान के जमान पार्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा चोरों को कबूल कराने के लिए कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। असम्बलियों की तहलील 100% आइनी और जमहूरी रस्ता है। कौम आइन की बालादस्ती के लिए अपनी अदलिया की पुश्त पड़ खड़ी है। दूसरे जाने वजीर दाखला की हट धर्मी बरकरार। राना सनाउल्ला कहते हैं मुल्क भर में एक ही दिन में इलेक्शन कराएं। इमरान खान अपोजिशन में भी हुकूमत के साथ बात करने का रवदार नहीं है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान कहते हैं पहले पंजाब और फिर पूरे मुल्क में इलेक्शन करा दें। एक सूबे में पहले दीगर के बाद होंगे, तो नतज कौन तस्लीम करेगा। साफ और शफाफ इलेक्शन के नतज क्या होते हैं ये सबको मालूम है। 1977 का इलेक्शन मुतनाज़ हुआ तो मुल्क में फसाद और 11 साल मार्शल लॉ लगा रहा। इस
इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शन करवाए। पहले पंजाब में इलेक्शन करवा दें, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन हो पूरे मुल्क में। अगर एक सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए और बाकी पूरे मुल्क के इलेक्शन बाद में हो, तो फिर उनके नतीज को कौन जो है वो तस्लीम करेगा। आपको मालूम है कि इलेक्शन जब फ्री और फेयर नहीं होते तो उनके नतीज क्या होते। 1977 का इलेक्शन मुतनाजा हुआ तो उसके नतीजे में यहाँ पे वो फसाद मचा के 11 साल तक यहाँ पे फिर माशाल्लाह लगा। कौमी असेंबली तोड़े बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। हुकूमत एक तारीख पर इलेक्शन में संजीदा होती तो कौमी असेंबली तोड़ने का ऐलान करती। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट को चकमा देने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पंजाब में मुस्लिम लीग का टिकट कोई मुफ्त में लेने को भी तैयार नहीं। नून लीग की तरफ से बायकॉट की बातें एतराफ़ शिकस्त हैं। इलेक्शन का बायकॉट करके नून लीग अपना भरम कायम रखना चाहती है। हुकूमत मुज़ाकरात करने के बजाय बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज़्ज़िम मुहिम चला रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुज़ाकरात की मोहलत खत्म होने वाली है। ये हमारी हुकूमत नहीं है, हम हुकूमत में शरीक हैं। अपनी ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। आसिफ जरदारी का नवाब शाह में कारकुनों से खिताब। कहा खजाना और PIA की वजारतें हमारे पास नहीं। जब हम काम करते थे तब बीबी साहिबा की हुकूमत होती थी और हम आवाम के काम करते थे। मुल्क बचाने के लिए हमने इमरान खान को निकाला। और पंजाब में इंतखाबी दंगल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सरबरा तहरीक इंसाफ इमरान खान आज से बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे और यौम तासीस पर खिताब करके कारकुनान का लहू भी गरमाएंगे। तमाम हलकों में स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब भी दिखाया जाएगा। सूबाई असम्बली के तमाम टिकट होल्डर्स अपने इंतखाबी हलकों में रैलियों का इनेकाद करेंगे। पार्टी टिकट्स की तकसीम के मामले पर तहरीक इंसाफ की रिव्यू कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। PTI की पंजाब इलेक्शन में उतरने की भरपूर तैयारी। तहरीके इंसाफ आज से बाकायदा इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। यौम तासीस पर इमरान खान पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे। सूबाई असम्बली के तमाम टिकट होल्डर्स अपने अपने इंतखाबी हलकों में रैलियों का इनेकाद करेंगे। सूबाई टिकट होल्डर्स अपने हलकों में स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब दिखाएंगे। ईद के बाद तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में शहर शहर बड़े बड़े जलसे किए जाएंगे। दूसरी जानी पार्टी टिकटों की तकसीम के मामले पर तहरीक इंसाफ की रिव्यू कमेटी ने काम का आगाज कर दिया। पंजाब भर से नाराज उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर सरबराह PTI इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद वो रिव्यू दरख्वास्तों पर अपना हतमी फैसला देंगे। इलेक्शन फंडिंग से इनकार पर वजीर कानून दाखला और वजीर आजम नाहल भी हो सकते हैं। काबीना ने अगर वजीर आजम के इमाम पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार किया तो वजीर आजम मुलजिम है। एतजाज अहसन की बोल न्यूज के प्रोग्राम अब पता चला है में बातचीत। कहा अदालत इन तीनों को तलब करें और इनके बयानात से मुतालिक पूछे। उन लोगों जो इसमें बयानात देते रहे और प्राइमरी मूवर एंड शेकर थे, मसलन लॉ मिनिस्टर, मसलन इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह, मसलन प्राइम मिनिस्टर, ये मूवर है। अगर वो इन तीन को ही लेके बुला के तलब कर ले सुप्रीम कोर्ट, पहले तो कैबिनेट ने कहा कि हमने कोई हुक्म मानना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही नहीं मानना। ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने अगर उसके इमा पे हुई है तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी प्राइमरी मुलजिम है इसमें। चीफ जस्टिस की पावर रेगुलेट ज़रूर होनी चाहिए, कंट्रोल नहीं की जा सकती। बिल तो मुझे तो एक्चुअल है, मुजवला एक्ट जो है जिसने एक्ट बन जाना है, उसमें क्या ऐसी शिकें हैं जो आईन से मुतसादिम है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल। हुकूमत ने वजीर आजम के एतमाद का वोट लेने के ऑप्शन की तरदीद कर दी। वजीर तलाब मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया। एतमाद का वोट लेने से मुतालिक मुशावरत हुई, ना इसकी ज़रूरत है। हुकूमत ने वजीर तलाब मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वजीर आजम ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर,
अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।